मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बिल्कुल सही होंगे और हमारे द्वारा जो चलाई जा रही जो वीडियोस हैं उनका आप अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ उन्हें नोट भी कर रहे होंगे कि जो भी आपको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, समय पर सभी के पास काम पहुंच रहा है, सभी के पास नोट्स पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे पास जो है वो आपके जो PDF है, नोट्स होगी, वो नहीं पहुंची है। जिस भी बच्चे के पास नहीं पहुंची है उसे हम पर्सनली आपके पास ज़रूर भेजने का जो है वो प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन नामक एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर था 7 और आप जानते हैं उसके बारे में हम कुछ लिख के प्रकार ट्रांसपिरेशन जो है वो हम पहले क्या कर चुके हैं, इसको डिफाइन कर चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और इस आधार पर जो हमारी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। तो सो आज का जो अपना टॉपिक है, जो कि लास्ट हमने छोड़ा था आपके लिए, 12वीं क्लास जो है हमारी इंग्लिश मीडियम की उसके लिए है, ठीक है, ओके। सो बायोलॉजी 12th क्लास इंग्लिश मीडियम तो पार्ट का नाम है ट्रांसपिरेशन और आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपिरेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन होता है लिव्स में वो क्या होता है, वो होते हैं स्टोमेटा। जब हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ रहे हैं, सॉरी, अगर हम किसको पढ़ रहे हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम उसे ऑर्गन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है जो ऑर्गन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो वो कौन सा ऑर्गन है, वो ऑर्गन है स्टोमेटा। क्या होता है वो ऑर्गन है स्टोमेटा, ठीक है। ये जो स्टोमेटा होते हैं, इन्हीं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन उसके बगल में लिख दूंगा, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। चित्र बनाते ही आपको PDF तो मैं भेज ही चुका हूँ, केवल आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि स्टोमेटा जो है उसका खेल क्या है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, स्टोमेटा जो होते हैं, प्रत्येक जो स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा हमें क्या होता है, स्टोमेटा आर मिनट, यानी कि बेहद सूक्ष्म क्या होते हैं, ओपनिंग सराउंडेड, यानी कि छिद्र होते हैं, सराउंडेड बाय टू एपिडर्मल सेल्स कार्ड गार्ड सेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स, और उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, किडनी लाइक होती है, जैसे हमारी किडनी होती है ना इस प्रकार की। तो इनमें स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, वो मैं आपको बोर्ड पे बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है, किडनी शेप्ड में है, किसमें है, किडनी शेप्ड में है, तो ये क्या कहलाती है, गार्ड सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है ये डियर स्टूडेंट, गार्ड सेल्स कहलाती है, ध्यान रखना, क्या कहलाती है, गार्ड सेल्स। और ये इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड, यानी कि जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि हरित लवक पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। इनकी जो भीतर वाली जो भित्ति होती है, जो कि पौर की तरफ होती है, यानी कि छिद्र की ओर होती है, ये वाली जो होती है, ये आकार में डियर स्टूडेंट थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है, अंदर वाली, ठीक है, कैसी होती है,
थोड़ी सी आकार में मोटी होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। इसी तरह से इसके चारों ओर कंपेनियन सेल्स होती हैं, यानी कि सहायक कोशिकाएं होती हैं, और ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये चारों ओर से इसे घेरे रहती हैं। इनका बड़ा योगदान होता है जब हम इसके मूवमेंट की मैकेनिज्म को पढ़ते हैं उस समय, ठीक है। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो आपके सामने मैंने बनाया है। ये डायग्राम जो होता है ये एक किसका नजर आ रहा है आपको, बीच बीच वाला जो है ये क्या नजर आ रहा है, ये डियर स्टैंड स्टोमेटा होते हैं। इन्हें आप बिल्कुल गहरा कर सकते हैं, ठीक है। और समझ गए, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये वाली जो होती है ये गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स दो हैं इधर और इधर दोनों तरफ। गार्ड सेल्स के अंदर ये बिंदु समान जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये क्या है, हरिक्लोक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। और ये वाली भीतरी यानी कि अंदर वाली जो होती है कोर के तरफ वाली जो होती है वो स्टोमेटल कोर होता है ये, या इसे हम रंध्र छिद्र कहते हैं। ये बीच वाला जो होता है क्या है, स्टोमेटल कोर यानी कि रंध्र छिद्र, ठीक है। और इसके चारों ओर जो आपको नजर आ रही है ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, या ये कहें कि एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो सहायक रूप में क्या करती हैं, कार्य करने का काम करती हैं, ठीक है। ओके, ये चित्र होता है इसका, शायद वैसे मैंने बुक में भी और नाम जो बोले हैं। ये जो इनर वॉल होती है ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो समझने लायक वो क्या है इस पूरे डायग्राम में, कि भीतर वाली जो भित्ति आपको नजर आ रही है पूरी की पूरी एक जो गार्ड सेल्स होती है, इस गार्ड सेल्स की दो भित्तियाँ नजर आ रही है साइज के हिसाब से। अंदर वाली थोड़ी मोटी है और बाहर वाली जो है वो पतली है, ठीक है ना। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इनर वॉल यानी कि थोड़ी आकार में कैसी होती है, मोटी होती है, और बाहर वाली ये वाली जो होती है इनकी भित्तियाँ ये आकार में पतली होती है। इनका बड़ा योगदान होता है इनके खुलने और बंद होने में, ठीक है। जब कोशिका टर्बिड होती है या कोशिका कैसी होती है ब्लेसिड होती है तो उस समय इनकी भित्ति जो होती है इनमें जो तनाव इनकी जो खिंचाव जो पल्सेशन जो उत्पन्न होता है उसी पल्सेशन के कारण क्या होता है, रंध्र जो होते हैं या स्टोमेटा जो होते हैं बंद यानी कि खुलते और बंद हो गए हैं, ठीक है। तो ये है इसका डायग्राम। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। स्टोमेटा की ये गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स की दो प्रकार की भित्तियाँ होती हैं। बाहर वाली जो भित्ति होती है वो थिन होती है पतली होती है, अंदर वाली जो होती है वो थिक होती है मोटी होती है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं चारों तरफ जो स्थित हैं, ये क्या होती हैं, ये सहायक कोशिकाएं जो कि पेरेंटाइम और प्रकार की, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं, इनको मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर मान लीजिए उसके अंदर नहीं है तो। ठीक है, सो अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें कि जो स्ट्रक्चर तो आपको नजर ही आ गई, क्या क्या आप कैसे क्या नोट करेंगे वो मैंने पीडीएफ भेज दी है, ठीक है। क्या बताएंगे कि दो गार्ड सेल्स होती हैं नजर आ रही हैं आपको, और एक छिद्र होता है मध्य के अंदर, एक ओपनिंग जो होती है एक छिद्र होता है। तो स्टोमेटा आप मिनट ओपनिंग सराउंडेड बाय, ठीक है, स्टोमेटा जो होता है वो एक मिनट ओपनिंग होता है जो कि इसके द्वारा सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स, सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स, ठीक है। दो गार्ड सेल्स होती हैं, और डियर स्टूडेंट
देर आर किडनी शेप्ड इन मोस्ट प्लांट, और इनकी जो आकृति होती है नजर आ रही है आपको कैसी होती है, किडनी शेप्ड होती है। दोनों की आकृति कैसी होती है, किडनी शेप्ड होती है। प्रत्येक जो गार्ड सेल्स होती है, इस गार्ड सेल्स हैव टू टाइप ऑफ वाल्स, इनर वाल्स इज थिक एंड आउटर वाल्स इज थिन। यानी कि बाहर वाली जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, और अंदर वाली जो होती है वो आकार में मोटी होती है। अब दूसरी बात, स्टोमेटा जो होते हैं खुलते और बंद कैसे होते हैं, जब वैन ये समझ लीजिए कि गार्ड सेल्स, वैन गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड, ठीक है, वैन गार्ड सेल्स जो है अपनी गार्ड सेल्स होती हैं ये कैसी हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं, स्लथ हो जाती हैं, देन स्टोमेटा आर क्लोज्ड। उस समय स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जब यही गार्ड सेल्स कैसी होती हैं, जब ये गार्ड सेल्स, वैन गार्ड सेल्स आर टर्गिड, कैसी होती है, स्थिति होती है, यानी कि इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी अंदर चला जाता है, तो उस समय क्या हो जाते हैं, जो रंध्र होते हैं वो ओपन्ड हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर से संबंधित है, आप सारी चीज़ें नोट कर लेना अच्छी तरह से, पीडीएफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है यही चीज़ें लिखी हैं कि दो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स जो होती है उनकी दो प्रकार की भित्तियाँ होती हैं, अंदर वाली जो होती है वो ठीक मोटी होती है, बाहर वाली पतली होती है, और जब पानी इनके अंदर प्रवेश करता है तो यानी कि जब जो प्रत्येक गार्ड सेल्स जो होती है फ्लैसिड टर्गिड हो जाती है, तो उस समय जो पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब कैसी रहती हैं, जब इनसे पानी बाहर निकल जाता है तो ये कैसी हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं, और फ्लैसिड होने की स्थिति में क्या होता है कि जो पोर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब बात यहाँ तक यही नहीं आती है कि इनके अंदर पानी बाहर और भीतर कैसे होता है। इस मूवमेंट को समझाने के लिए अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग क्या दिए थे, कुछ हाइपोथेसिस दी थी, कुछ सिद्धांत दिए थे, कुछ मान्यताएं थी, कुछ परिकल्पनाएं थी। इन परिकल्पनाओं को हम अगला टॉपिक जो है अपना वो यही है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी, इसे ज़रूर आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, ठीक है। टॉपिक डाल लीजिए आप सभी, टॉपिक क्या डालेंगे, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। अभी हम जो बात हम कर रहे हैं बार बार कि रंध्र खुलते होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो केवल दिन के समय भी होती है, यानी कि जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है या वायु चलती रहती है, ठीक है, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो होते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें संभव है, इन सब को समझने के लिए जो सबसे पहले जो चीज़ समझने की आवश्यक है वो है कि मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। यानी कि जो ये रंध्र दिखाई दे रहे थे अभी आपको बोर्ड के ऊपर, ये रंध्र जो होते हैं खुलते हैं और बंद होते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल, ये ऐसा कैसे संभव है, इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ सिद्धांत, कुछ थीसिस दी गई थी, और इन्हीं थीसिस को आज हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक डाल लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो गति कैसे करते हैं, जैसे गति का मतलब चलते थोड़ी है, सड़क पे थोड़ी दौड़ते हैं, गति का मतलब है उनका ओपन और क्लोज होना, ठीक है, उनका ओपन और क्लोज होना, ये कैसे पॉसिबल है, ओके। तो मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल जो मूवमेंट होती है इसको समझाने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे क्या दिए गए थे, सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है। इनमें से पहला सिद्धांत है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ठीक है, नंबर एक क्या है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस बहुत अच्छी परिकल्पना है, ठीक है, अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो इसकी हम आज व्याख्या करते हैं। लिखने में आप वैसे लिख लेंगे, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ विद डायोग्राम,
ठीक है, एक रेखा चित्र, एक लाइनिंग जो है वो डायग्राम मैं आपके सामने इसका बनाऊंगा और वो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, उसको ऊपर लिख देता हूँ, स्टार्च सुगर आइबो स्टार्च शुगर आइकोथेसिस जो है, थीसिस जो है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये मानते हैं कि स्टोमेटल जो मूवमेंट को समझाने के लिए वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉयड, ठीक है, और जेडी सायरे। ये ध्यान रखना, ये दो नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कौन कौन थे? एक तो लॉयड थे और दूसरे थे कौन? जेडी सायरे। कौन थे? जेडी सायरे, ठीक है। दोनों के बारे में जिक्र करते हैं। हालांकि जो लॉयड थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ऐसी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन उन्हीं की जो बताई गई जो बात थी उसी के द्वारा हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि इन 1908 में क्या बताया था। लॉयड नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? लॉयड। उन्होंने क्या बताया कि जो गार्ड सेल्स होती हैं, कौन सी? गार्ड जो सेल्स होती हैं डियर फ्रेंड, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च उपस्थित होता है। ये बात लॉयड ने बताई थी, बस लॉयड का काम यही था, ठीक है। अब हम परिकल्पना की बात करते हैं, ठीक है। 1908 में लॉयड के द्वारा ये बताया गया था, ये प्रपोज किया गया था। क्या बताया गया था? कि लॉयड प्रोवाइड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च गार्ड सेल्स बस बिफोर सायरे। सायरे से पहले जो है वो इसके द्वारा जो लॉयड नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था? प्रोवाइड ये किया था कि गार्ड जो सेल्स होती हैं उनमें स्टार्च उपस्थित होता है। इतना ही याद रखो आपके, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि दिस थीसिस प्रोवाइड बाय, किसके द्वारा प्रोवाइड की गई थी? दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जेडी सायरे, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय जेडी सायरे। वैज्ञानिक का नाम क्या था? डियर स्टूडेंट, वैज्ञानिक का नाम था जेडी सायरे, ठीक है, SAYRE। ये नाम वाम जो है स्पेलिंग उसमें अगर कोई अक्षर रह जाता है तो उसकी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, जेडी सायरे। तो दिस हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय जेडी सायरे इन 1923, ठीक है, 1923 के द्वारा दी गई थी। अब हम इस हाइपोथेसिस को आप बिल्कुल गौर से सुनना। देखिए क्या होता है, इन डे, दिन के समय, किसमें? जब कैसा हो? दिन हो, दिन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो गार्ड जो सेल्स होती हैं उनमें जो मंड पाया जाता है, ठीक है, या फिर गार्ड सेल्स जो होती हैं उनमें CO2 जो होता है उसकी कमी के कारण, ठीक है, इन गार्ड सेल्स इन गार्ड सेल्स लेस CO2, ठीक है। आप जानते हैं कि दिन का जो समय होता है उसमें गार्ड सेल्स ही क्या, चाहे कोई भी कोशिकाएं हों, उन सब में CO2 की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इसका कारण क्या है? आप जानते हैं कि CO2 की कमी का कारण एक ही होता है। वो क्या कारण है डियर स्टूडेंट? वो जो रीजन है, वो जो कारण है कमी का, वो होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर लेस CO2 आप लिख सकते हैं ड्यू टू, ठीक है, किसके कारण? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है यानी कि जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं,
या पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के कारण क्या होता है, CO2 की कमी आ जाती है सभी कोशिकाओं, ठीक है। CO2 की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, यानी कि CO2 कैसी हो जाती है, लेस हो जाती है। अब क्या होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ 2-2, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि गार्ड सेल्स होती हैं उनमें दिन के समय CO2 की कमी क्यों होती है, उसका कारण है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन जैसे ही CO2 की कमी हो जाती है, इन सेल्स के अंदर जो pH होता है, pH जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, pH हो जाता है इंक्रीज, pH बढ़ जाता है, ठीक है। pH लेवल जो बढ़ जाता है उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो स्टार्च है, स्टार्च कन्वर्ट इनटू, ठीक है, स्टार्च होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, इसमें बदल जाता है। ये ध्यान रखना, क्या हुआ, पहले दिन के समय में जो गार्ड सेल्स थी उनमें CO2 की कमी आई, CO2 की कमी के कारण pH जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। CO2 की कमी के कारण pH बढ़ गया, pH बढ़ जाने के कारण जो स्टार्च था किनके अंदर, किसमें बताया था, लॉयड ने बताया था कि गार्ड जो सेल्स होती है उनमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो यही स्टार्च जो होता है ये किसमें बदल जाता है, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे की कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होने जाने के पश्चात क्या गड़बड़ होती है। अब ग्लूकोज में जैसे ये कन्वर्ट होगा तो आगे क्या होगा, जैसे ही कन्वर्ट होता है वैसे ही जो हमारी जो क्या होती है, जो हमारी गार्ड जो सेल्स होती हैं डियर स्टूडेंट, उन गार्ड सेल्स की जो पराशन सांद्रता होती है, ठीक है, ऑस्मोसिस जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या ये कहें कि इनकी DPD बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या बता सकते हैं आप कि इनकी जो DPD है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, DPD जो होती है वो दिखाई नहीं दे रहा शायद मेरे हिसाब से, इनकी जो DPD होती है वो क्या हो जाती है, इनकी DPD कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। DPD को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, DPD क्या होती है, एक जल की मांग होती है, जिस भी कोशिका की DPD बढ़ेगी उसके अंदर जो पानी है वो प्रवेश करना शुरू कर देता है, ध्यान रखना पानी उसके अंदर जाना शुरू कर देता है, ठीक है, ओके। तो जैसे ही DPD बढ़ेगी, जल की मांग बढ़ती, इधर लिख देता हूं मैं बाकी जो चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे ही DPD इंक्रीज हुई, डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है, जैसे ही DPD इंक्रीज होती है वैसे ही क्या हो जाता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं, यानी गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स बिकम टारगेट, कैसी हो जाती हैं, टारगेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, टारगेट हो जाती हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है टारगेट्स, हाँ TARGID, यानी कि गार्ड सेल्स कैसी हो गई, टारगेट हो जाती हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात बताई गई थी किसके द्वारा, JD सायरिंग के द्वारा, क्या कहा गया था कि दिन के समय में गार्ड जो सेल्स होती हैं उनमें CO2 की कमी के कारण उनका pH बढ़ जाता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, ठीक है, दिन के समय में गार्ड सेल्स जो होती हैं उनमें CO2 की कमी के कारण उनका pH बढ़ जाता है, जिससे उनके अंदर पाया जाने वाला जो स्टार्च होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है,
जिससे कोशिकाओं की डीपीडी बढ़ जाती है और कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं, यानी जो गार्ड सेल्स होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, टारगेट हो जाती हैं। टारगेट हो जाने के कारण जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, राइट, ओपन हो जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लो, ठीक है, या अगर मान लीजिए पीडीएफ में ये आउटलाइन नहीं दी गई है तो ये आउटलाइन आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए होती है, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है टीचर्स के ऊपर इस बात का कि बच्चे को जो है वो बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब ये तो खुल गए, ये तो खुलने की बात हो गई। अब दूसरी क्या बात होती है, अब इधर ही मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। वो क्या है, रात्रि में, इग्नाइट, कब, रात्रि में क्या होगा, सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। रात्रि में क्या होता है बताइए, CO2 की क्या हो जाती है, CO2 कैसी हो जाती है, CO2 हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, यानी कि CO2 गार्ड सेल्स की जो CO2 होती है वो बढ़ जाती है। जैसे ही CO2 बढ़ती है वैसे ही pH क्या हो जाता है, pH क्या हो जाएगा, pH डिक्रीज हो जाएगा, pH जो होता है वो घट जाता है। pH घटते ही क्या होगा, डिफरेंट पीएच घटते ही क्या होगा कि हमारे पास जो अब क्या था, ग्लूकोज वन फॉस्फेट था, क्या था हमारे पास, ग्लूकोज वन जो फॉस्फेट था वो वापस किसमें चेंज हो जाता है, वो वापस स्टार्च में चेंज हो जाता है, किसमें बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। स्टार्च में बदलते ही क्या हो जाएगा कि कोशिका से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल्स बिकम कैसी हो जाती है, सेल्स बिकम फ्लैसिड, कैसी हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, कैसी हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि स्लथ हो जाती है। और जैसे ही फ्लैसिड होती है तो क्या होते हैं, बोलो, स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट वो हो जाएंगे, क्लोज, बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी स्टार्च सुगर क्या थी, हाइपोथेसिस थी, जिसमें स्टार्च क्या होता है, स्टार्च तो स्टार्च ही होता है, जो कि लॉयड के द्वारा बताया गया था कि जो हमारी गार्ड सेल्स होती हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है, मंड उपस्थित होता है और वो बाद में CO2 इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने के कारण इसमें बदल जाता है, ग्लूकोज वन फॉस्फेट में, जो कि एक सुगर है, ठीक है। इसलिए इस थीसिस का क्या नाम दिया गया, इस थीसिस का नाम स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस दिया गया, ओके। तो ये रीजन बताया गया किसके द्वारा, जेडी सायरे के द्वारा, रंध्रों के बंद होने का और खुलने का, कि रंध्र जो होते हैं वो क्लोज्ड कैसे होते हैं और ओपन कैसे होते हैं, ठीक है। आई होप ये थीसिस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो थीसिस है वो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, तब तक नोट्स करते रहिए इन सभी चीज़ों को, ओके, गुड बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैव ए नाइस डे।